हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पनीर टिक्का की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत यम्मी होती है। ये ले लिया मैंने पनीर और शिमला मिर्च और प्याज, और इसको क्यूब की तरह, जो क्यूब होता है ना, उस साइज़ में कट करेंगे। और थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ में कट करना है। और पनीर के लिए ख़ास ध्यान रखना है कि पनीर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो बस कट कर लेंगे बस इसी साइज में। तो बस इसी तरह से कट कर लिया शिमला मिर्च और प्याज को भी उसी साइज में कट कर लेना है। डालेंगे कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इसमें डालेंगे बेसन। बेसन चने का हो तो बहुत बेस्ट होता है, उसका रिजल्ट बहुत बेस्ट आता है। तो चने का बेसन 3 चम्मच डाल दिया है, और बस ऐसे ही 3 से 5 मिनट तक फ्राई किया एकदम लो फ्लेम पे। तो बस ऑफ कर देंगे गैस। और दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है, और ये है दही। दही निथरी हुई होनी चाहिए, निथरी यानी कि उसको कपड़े में बांध के 2 घंटे तक रख दिया था, कॉटन कपड़े में, उसका पानी निकल जाना चाहिए। तो बस ऐड कर लिया है बेसन में दही को, और इसको अच्छे से फेंटना है, एकदम अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस डालेंगे इसमें मसाले। मसाले में भुना हुआ जीरा है और लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर, ये है हल्दी, और ये है काली मिर्च कुटी हुई। थोड़ा कूट के डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस ऐड कर लेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और डालेंगे इसमें चाट मसाला, ऑप्शनल है, पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। वह थोड़ा सा ही डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला, जो भी गरम मसाला है घर का हो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो 1/2 चम्मच जैसा गरम मसाला ऐड करेंगे, और यहीं पे ऐड करेंगे लहसुन, जो कि दरदरा कूट लेना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है। और डालेंगे नमक, फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स हो गया है, तो ऐड करेंगे सब्जियां, और यहीं पे डालेंगे पनीर, डाल दिया है। और इसको चम्मच से नहीं करेंगे, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो हाथ से, वो हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो बस इसको भी मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो बस रख देंगे इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। 1 घंटे तक रेस्ट पे रखना है, तो अच्छे से क्या है कि मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो बस हो गया है। तो आपके पास अगर कोई भी स्टिक है तो चलेगा, कोई भी स्टिक हो। तो ये है स्टिक्स, मिल गई थी घर पे ऐसे ही। तो बस इसमें पहले ऐड करेंगे शिमला मिर्च, और फिर प्याज, फिर ऐड करेंगे इसमें पनीर, और पनीर की क्यूब्स को इस तरह से लगाना है। ऐसे लगाने से क्या, चावल करके बहुत अच्छे से पक जाता है। तो बस इसी तरह से सारी सब्जियों को लगा लेंगे इसमें। सब्जियों को लगा लिया है,
इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इतना टेस्टी होता है, तो ट्राई करिएगा आप लोग, आप लोग भी कहेंगे वाह कितना टेस्टी होता है। तो इसको हम गैस के बर्नर पे सेकेंगे क्योंकि तेल का यूज़ नहीं करेंगे हम इसमें, तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे गैस का बर्नर ऑन करेंगे। और टाइम लगेगा कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे इसको सिकने में, पर पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो बस हल्की की ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और ये सिकता जाएगा। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। ये 50% पक चुका है। ऐसे 5 मिनट तक और सेकेंगे इसको, क्योंकि शिमला मिर्च पकने में थोड़ा इसमें टाइम लगता है। वैसे तो सब्जियों में जल्दी पक जाता है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। काफ़ी हद तक ये पक चुका है, इसको डिटेल में दिखाते हैं आपको। ये कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना अच्छा ये खाने में भी लग रहा था, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। इसको थोड़ा सा और सेकेंगे, थोड़ा अच्छे से और सीख जाएगा ये। तो बस ये सीख चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है ये। तो ये पहली टेक्निक थी, अब मैं दूसरी टेक्निक भी दिखाऊंगी आपको। ये है दूसरी टेक्निक, कोयला होता है ना उसका आग बना लिया है, लकड़ी हो या कोयला है जो भी है आपके पास अवेलेबल, तो बस उसी में इसको अच्छे से सेकेंगे, ऊपर रख देंगे 10-15 मिनट इसमें भी लग जाता है सेकने में। अच्छे से इसको सेकेंगे और ये यकीन मानिए उससे भी जो गैस के बर्नर पर सेके थे उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो बस देखिए एक सिक भी चुका है ऑलमोस्ट। तो ये भी इसको भी अच्छे से सेक लेंगे। ये सिक गया है एक, तो इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा सावधानी के साथ निकालिएगा क्योंकि स्टिक्स बहुत गर्म होती है। और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, इतना टेस्टी लग रहा है, सोचिए खाने में कितना टेस्टी लग रहा होगा। तो बस इसको नींबू और प्याज के साथ खाइए, नींबू हल्का सा ऊपर से डाल दे, डाल के खाइएगा, बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।